हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। दोस्तों, मैं आपको 10 दिन में इंग्लिश टाइपिंग सिखाने वाला हूँ, जिसका कि आज डे वन है। तो टाइपिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कीबोर्ड में दोस्तों आप सामने ये तीन लाइंस देख पा रहे हैं, एक ये लाइन इसमें मेरी उंगली चल रही है, एक ये लाइन और एक ये नीचे वाली लाइन। अब ये जो बीच की लाइन दोस्तों जो होती है, इसे हम टाइपिंग में कहते हैं होम रो। क्या कहते हैं? होम रो। होम का मतलब होता है घर। तो अब इसे होम रो हम कहते क्यों हैं? देखिए, हमारे ये दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ हमारे इसी रो पे रहते हैं हमेशा। मान लीजिए हमें ऊपर की 8 नंबर दबानी है, तो अपनी हम उंगली 8 पे ले जाएंगे, 8 को प्रेस करेंगे और फिर वापस यहाँ पे ले आएंगे। यानी कि हमें कीबोर्ड में कहीं भी कुछ भी काम करना हो, हम वहाँ हाथ को ले जाते हैं और फिर वापस इसी लाइन पे चले आते हैं। तो इसीलिए इस लाइन को हम लोग होम रो कहते हैं, कि हमारा हमारा जो हाथ है वो हमेशा इसी लाइन पे आ जाता है लास्ट में। ठीक, ये हो गई आपकी होम रो। उसके बाद ये जो ऊपर की दोस्तों जो लाइन लिखी हुई है QWERT वाली, ये लाइन को टाइपिंग में बोलते हैं अपर रो, यानी कि ऊपर की लाइन। क्या बोलते हैं? अपर रो। ठीक है, ये अपर रो हो गई। जो नीचे की लाइन होती है, इसे हम कहते हैं बॉटम रो या डाउन रो। नीचे की लाइन, ठीक, क्या उसको बोलते हैं? बॉटम रो या डाउन रो। ठीक है, ये तो हो गई कीबोर्ड की बेसिक जानकारी। और ये जो होती है 1 2 3 वाली, ये होती है नंबर रो। क्या होती है? नंबर रो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये इधर जो एक नंबर के लिए अलग से एक चैम्बर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर पैड। क्या बोलते हैं इसको? नंबर पैड। ठीक है, तो वो तो खैर बाद की बात है, पहले हमें यहाँ पे आना है। तो आज दोस्तों आपका डे वन है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको करना क्या है डे वन में? डे वन में देखिए, आपके पास ये दो हाथ हैं, क्लियर है ना? ठीक है, आपके पास 10 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 उंगलियां हैं। लेकिन दोस्तों टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग में आपकी 9 उंगलियां ही यूज़ होती हैं। अब एक कौन सी यूज़ नहीं होती है? देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड का थंब होता है, ये आपका हिंदी या इंग्लिश किसी भी टाइपिंग में यूज़ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड का थंब दोस्तों टाइपिंग में यूज़ नहीं होता है। तो 10 से 1 गई तो 9 बची, यानी कि टाइपिंग में दोस्तों हमारी 9 उंगली ही केवल यूज़ होंगी। चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है आपको? ये उंगली आपको ए पे रखनी है, ये उंगली आपको एस पे रखनी है, ये उंगली आपको डी पे रखनी है, ये आपको एफ पे रखनी है। क्लियर है? ये अंगूठा आपका खुला रहेगा, इसका कोई काम नहीं टाइपिंग में। फिर आपको जी और एच बीच की छोड़ देनी है, और इधर से देखना है ये जो आपकी की बनी हुई है, ये होती है सेमी कॉलन। ठीक, ये वाली उंगली ये वाली एल पे जाएगी, ये वाली के पे जाएगी, ये वाली जे पे जाएगी, और ये जो अंगूठा है हमारा राइट हैंड का, ये जाएगा आपका स्पेस बार पे। ये तो आपकी प्लेसिंग हो गई। ठीक, ये आपकी हो गई प्लेसिंग। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको शुरू करना है 1 2 3 4। ठीक, फिर स्पेस, फिर 5 6 7 8, फिर स्पेस, एक बार फिर देखते हैं, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। ये दोस्तों आपकी है पहले दिन की एक्सरसाइज। ये दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 पेज भरना है, और आपको ये याद करने का प्रयास करना है कि कौन सी उंगली दबाने पर कौन सा अक्षर दोस्तों बन रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, ये उंगली ए पे, ये एस पे, ये डी पे, ये एफ पे। ठीक, ये फिक्स हो गया, ये अंगूठा आपका हवा में रहेगा। इधर से आप 2 छोड़ दो बीच की, और ये जो बना है सेमी कॉलन, यहाँ पे ये उंगली एल के जे। ठीक है दोस्तों, आपको मन में बोलते भी रहना है, और ये थंब आपका स्पेस बार पे रहेगा, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ सेमी कॉलन सॉरी स्पेस बार सेमी कॉलन एल के जे। ठीक है, ये दोस्तों आपका डे वन का टाइपिंग का अभ्यास है। तो ये आपको कम से कम 3 से 4 पेज जरूर टाइप करना है, और आपको ये याद करने का प्रयास करना है कि जब मैं कौन सी उंगली प्रेस कर रहा हूं तो उससे कौन सा अक्षर दोस्तों बन रहा है। और आपको करना क्या है, आपको 2 घंटे सुबह करना है और 2 घंटे शाम को करना है। तो जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वो करते रहे तो मैं ये आपकी गारंटी लेता हूं कि 10 दिन में दोस्तों आप टाइपिंग आप सीख जाओगे, और आपकी 15 से 20 दोस्तों स्पीड भी आ जाएगी।
और उसके बाद एक महीने तक जो जो आपकी स्पीड है वो 30 से 35 दोस्तों जरूर बन जाएगी। बस जो मैं आपसे कह रहा हूँ बस दोस्तों वो आप करते रहो, ठीक है। तो एक बार जरा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये होम रो होती है, ठीक है, ये अपर रो होती है, ये बॉटम रो होती है, ये नंबर रो होती है और ये नंबर पैड होता है, ठीक है। उसका काम बाद में है, वो हम बाद में उसके बारे में जानेंगे। पहले आप ये देखना है। एक बार फिर से हम जो जो हमारी एक्सरसाइज है हम दोस्तों इसको एक बार देख लेते हैं। आपकी जो 10 उंगलियां हैं ये उंगली दोस्त, ये आपका जो अंगूठा है ये दोस्तों आपके टाइपिंग में यूज़ नहीं होना है, इसको आप छोड़ दो। बाकी बची 9, कैसे उनको प्लेस करना है, ASDF ये रख लिया, इसको छोड़ दिया, 2 छोड़ दो बीच की आप, इधर से ये जो बना हुआ है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन LKJ ये अंगूठा स्पेस बार पे। अब ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF सेमी कॉलन LKJ, तो ये आपको करना है Day 1 में। तो जैसा मैंने आपको बताया है सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। और ये जो दोस्तों जो आपकी ये जो जो कलाई जो होती है ये आपकी हवा में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप रख भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप हवा में कर पा रहे हो, आपके हाथ में इतना दर्द नहीं हो रहा है दोस्तों, आप इसको रख सकते हो मेज़ पे या उसको हवा में कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दोस्तों ये आपका Day 1 का काम है, आपको 2 घंटे सुबह और 2 घंटे दोस्तों शाम को करना है टाइपिंग, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो दोस्तों, ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी पूरी दोस्तों हेल्प करूंगा, ठीक है। तो Day 1 दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी Day 2 की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।